हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटेंस स्टडी। तो एवरीवन, आपको क्या लगता है कि आज हम जिस धरती पर रहते हैं वो पहले से ही ऐसी है? अगर हाँ तो आप बिल्कुल गलत है। हमारी धरती का स्वरूप 1 लाख साल पुराना है, यानी जिस धरती को आज हम देख रहे हैं उसका निर्माण 1 लाख साल पहले हुआ था, जबकि इसका आरंभ 400 करोड़ साल पहले ही हो चुका था। जी हाँ, हमारी धरती को बनने में लगभग 400 करोड़ साल लगे। इसके अलावा अक्सर हमारे मन में ये सवाल रहता है कि आखिर ये धरती बनी कैसे? कैसे इंसान का जन्म हुआ? क्या धरती पर पहले डायनासोर रहते थे, और रहते थे तो कहाँ गए? पता नहीं, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज तक कोई भी सही सही नहीं दे पाया। आज मैं आपको वैज्ञानिकों के तथ्य पर आधारित धरती के निर्माण से लेकर मानव के विकास तक की पूरी जानकारी दूंगा, सारी बातें बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और एंजॉय करें। अब तक की हुई वैज्ञानिक खोजों के अनुसार ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति के काल से अब तक फैल रहा है और फैलता ही जा रहा है। बिग बैंग के सिद्धांत को माने तो करोड़ों वर्ष पहले अंतरिक्ष में एक अत्यंत भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें से प्रारंभिक पदार्थ फोटोन तथा लेप्टोक्वार्क ग्लुओन चारों तरफ फैल गए, और इन्हीं से आकाशगंगाएं बनी जो अभी तक फैल रही है। इसी विस्फोट में उत्पन्न ऊर्जा से तारों की उत्पत्ति हुई। वास्तव में ये पूरा संसार ऊर्जा का ही खेल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हीं तारों के बीच ठंडे हो गए छोटे छोटे तारों में कहीं जलती हुई एक धरती भी थी, जो ब्रह्मांड के विराट रूप में मात्र एक कण के समान है। करीब करीब 400 करोड़ साल पहले आग के गोले के समान इस धरती पर एस्ट्रॉइड की टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष में आसपास बिखरे टुकड़ों के इकट्ठा होने से चांद बना। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उसी वक्त धरती अपने अक्ष पर थोड़ा मुड़ गई, और इसी वजह से धरती को एक और चीज़ मिली, वह थी मौसम। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही जरूरी है। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 के बजाय 24 घंटे के होने लगे। 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी रह ही नहीं सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी भाप के रूप में मौजूद था। कई लाख साल पहले जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था, समुद्र था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इसलिए जीवन की शुरुआत के लिए अभी और वक्त और बदलाव की जरूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी थी। इस धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। हम सभी बैक्टीरिया ही हैं, हम बैक्टीरिया का एक जोड़ है। ये बात अलग है कि हमने विकास क्रम के लंबे काल के चलते चलते अलग रूप धारण कर लिए। ये बैक्टीरिया लंबे काल तक समुद्र का सुख भोगते रहे, और करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरियाओं ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। महसूस करने का अर्थ यह है कि यदि आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो आपका ध्यान सबसे पहले उस ओर जाएगा जिस ओर से हवा और प्रकाश आ रही है। इस तरह उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। उनके इस प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई, और इस तरह ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास में ईंधन के होने जैसा था। इस ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने लगी। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। करोड़ों वर्ष बाद ये जंग लगा लोहे का विशाल ढेर बन गया। यही ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए लोहा नहीं बचा तो ये बैक्टीरिया एक दूसरे काम में लग गए।
उन्होंने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई और जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। पहली बार किसी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे भी जीना सीख लिया था। ऑक्सीजन ने पूरी तरीके से कहानी को बदल दिया था। 550 करोड़ साल पहले जब धरती अपना 400 करोड़वां जन्मदिन मना रही थी, तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13 पहुंच गया था। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो हमें सूर्य की खतरनाक लेयर रेडिएशन से बचाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके दबाव से आकार भी बढ़ता है और जटिलताएँ भी बढ़ जाती हैं। इसके चलते समुद्र में जीव और जानवरों के सबसे ज़्यादा एवं सबसे उन्नत समूह पैदा हुए। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई और ये मछलियाँ हमारी पूर्वज हैं। असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने। ऑक्सीजन के कारण धरती पर जल से निकलकर पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार थे। धरती पर फैलने के क्रम में सबसे पहले महासागरों से बाहर आए एम्फीबियंस अर्थात उभयचर से रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप बने। सरीसृप का महासागरों से संपर्क टूटने के बाद वे धरती की दूसरी जगह पर बसने लगे। इससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे। लगभग 30 करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पल रहा था, लेकिन दलदल में एक नई क्रांति भी हो रही थी। वहाँ पौधे की मौत होती तो वे वही दलदल में दफन हो जाते थे और उन पौधों की ऊर्जा से कोयला बनने लगा था। 25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई, एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। इससे धरती पर अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ था वह थम गया। धरती पर रहने वाली 70% प्रजातियाँ खत्म हो गई। धरती पर ऐसे विनाश तो होते ही आए हैं जिसके चलते धरती पर से सबसे अहम प्रजातियां तो खत्म हो ही गई। इसके बाद अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे। उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह जमा थी, जिसे पेंजिया कहा जाता था, और इसके चारों ओर समुद्र होता था जिसे पैंथलासा कहते थे। लेकिन अब ये अलग अलग होने लगे थे। धरती की घूमने की गति भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अफ्रीका साउथ अमेरिका से अलग हो गया, जिसके चलते अटलांटिक महासागर सामने आया और इससे बनी मानव इतिहास की सबसे बड़ी सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। लगभग 16 करोड़ साल पहले सिर्फ डायनासोर का ही धरती पर शासन था। मानव की बनने की क्रिया में छोटे स्तनधारी जीव तो बस अपनी जान बचाने और जैसे तैसे जीवन को जीने में लगे थे। लेकिन तभी बाजी पलट गई। 6.5 करोड़ साल पहले करीब 10 किलोमीटर लंबी चौड़ी उल्का पिंड धरती से टकराई और धरती के इतिहास ने एक नई करवट ली। चारों ओर आसमान में धूल के बादल छा गए और धूल के इन बादलों से लंबे काल तक सूर्य की किरणें धरती को छू नहीं पाई और इसके चलते तापमान तेजी से गिरने लगा। इस भयानक घटना से धरती पर रहने वाला वह जीव मर गया जिसका वजन 25 किलो से ज़्यादा था। ऐसे में डायनासोर का बचना तो असंभव ही था। यह इस धरती के इतिहास की सबसे सुखद घटना थी। जब डायनासोर खत्म हुए तो स्तनधारियों को आगे बढ़ने और विकसित होने का मौका मिला। वे अब खुलकर जी सकते थे। डायनासोर के खत्म होने के कुछ साल बाद ही पहले वानर अस्तित्व में आए। 5 करोड़ साल पहले हमारे ये पूर्वज धरती पर विकसित हो रहे थे। उस समय धरती बहुत गर्म थी। वह इतनी गर्म थी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जंगल हुआ करते थे। बर्फ का नामोनिशान नहीं था, बर्फ की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। धीरे धीरे महाद्वीप अलग होने लगे। अफ्रीका और अमेरिका ने अपना एक मुकम्मल रूप ले लिया, लेकिन नॉर्थ अफ्रीका अर्थात आज का इजिप्ट एक प्राचीन समुद्र के अंदर था। उस समुद्र के तल पर खोल वाले छोटे छोटे जीव रहते थे। उनके खोल समुद्र में कई सालों तक जमा होते रहे और उनके खोल से चूना पत्थर बना।
वो चूना पत्थर जिनसे बाद में पिरामिड भी बनाए गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 करोड़ वर्ष पहले धरती वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। हमारी धरती का वर्तमान स्वरूप 1 करोड़ वर्ष पुराना है। हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी होने लगी थी। हिमालय की पर्वतमाला इतनी ऊंची थी कि उन्होंने धरती को 2 हिस्से में ही नहीं बांटा था बल्कि मौसम का मिजाज भी बदल दिया था। हिमालय और इसकी जैसी पर्वतमालाएं सूर्य की किरणों को दूसरी ओर जाने से रोकने लगी। उससे धरती का एक हिस्सा गर्म तो दूसरा ठंडा होने लगा। पनामा का स्थल अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने लगा था। इसके बाद अटलांटिक और प्रशांत महासागर एक दूसरे के करीब आए तो महासागरों में उफान आ गया और दुनिया आइस युग की ओर जाने लगी। हालांकि धरती के ठंडी होने के बावजूद हमारे वानर पूर्वज गर्म इलाकों में ही बने रहे, लेकिन धरती पर एक ऐसी वनस्पति उभरने लगी जो वानरों और पेड़ पौधों के वजूद के लिए खतरा बन गई थी। 70 लाख साल पहले हमारे वानर पूर्वज पेड़ों पर मजे में रहते थे, लेकिन उनके आसपास के इलाकों पर घास फैलने लगी थी और पेड़ पौधे लुप्त होने लगे थे। हिंसक और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए वृक्षों पर रहने वाले जीव और वानरों के लिए यह एक नई चुनौती थी। पहले जहां वानरों का 1 या 2 परिवार एक वृक्ष पर रहता था, वहीं अब इन वृक्षों पर वानरों की संख्या बढ़ने लगी। इससे वानरों के बीच बेचैनी और सामाजिक परिवर्तन स्पष्ट देखा जा सकता था। हालांकि हमारे और अन्य जीवों के वजूद के लिए घास सबसे अहम वनस्पति साबित हुई। दुनिया के करीब हर इलाके में एक ही वक्त पर घास के मैदान नजर आए। अफ्रीका से सवाना, यूरेशिया से नॉर्थ अमेरिका और अर्जेंटीना तक घास दुनिया में हर जगह थी। एशिया के जंगल भी घास से भरने लगे थे। घास के मैदानों ने हमारे वानर पूर्वजों के जंगलों में घुसपैठ कर ली थी। जब पेड़ कम बचे और उनके बीच दूरी बढ़ गई तो हमारे पूर्वजों को उनके मुताबिक ढलना पड़ा। एक ही पेड़ पर बहुत ज़्यादा वानर रहते थे और खाने की कमी होने लगी थी। ऐसे में उन्हें खाने की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ा और उन 2 जगहों के बीच थे घास के मैदान। लेकिन पेड़ से नीचे उतर का लंबा सफ़र करने में खतरा था। हालांकि कुछ ने यह खतरा मोल लिया और वो एक से दूसरी जगह पहुंच गए। हालांकि घास सभी जगह थी, लेकिन ये नई जगह उन वानरों के लिए ज़्यादा अच्छी थी जो 2 पैरों पर चलते थे। वे लंबी घासों से सिर उठाकर अपने दुश्मनों पर नज़र रखते थे। 2 पैरों पर चलना एक बहुत ही अहम विकास था क्योंकि उससे दोनों हाथ खाली रहते थे। हाथों ने मानव इतिहास को गढ़ा। कहना चाहिए कि 2 पैरों पर चलने की जिद ने एक नई क्रांति को जन्म दिया। छब्बीस लाख साल पहले प्रोटो ह्यूमंस या होमिनेट्स जिस दुनिया में घूमते थे वहाँ की धरती सिलिकॉन से भरी थी। सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्रिस्टल बनाता था जिससे ठोस पत्थर बनते थे, और इस पत्थर को जब गढ़ा जाता था तो वह टूटता भी नहीं था। उन्होंने इसे तोड़कर इससे धारदार हथियार बनाना सीख लिया था। पत्थर के इस मामूली हथियार से कई तरह के काम संपन्न होने लगे। पत्थर से नारियल जैसे सख्त खोल वाले फलों को फोड़ा जा सकता था। जानवरों की खाल को अलग किया जा सकता था। इसका हथियार के रूप में इस्तेमाल करके जंगली जानवरों से बचा जा सकता था। कुछ स्थानों में जानवरों की हड्डियों से भी औजार और हथियार बनाए जाने के सबूत मिले हैं। पत्थरों के बड़े टुकड़ों से जो आदमी की मुट्ठी में आ सकते हैं, हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और तराते बनाए जाते थे। आरंभ में बिना हैंडल की कुल्हाड़ियों से ही पेड़ आदि की टहनियों को काटा जाता था। बाद में उसे डंडे से बांध दिया गया जिससे उसकी शक्ति और बढ़ गई। औजारों के उपयोग से आदमी को बहुत बड़ा लाभ हुआ। इनसे वह जानवर मारने, शिकार करने, जमीन खोदने और लकड़ी को शक्ल देने में समर्थ हुआ। धरती पर आग लगने के 2 कारण थे। पहला तो है पेड़ पौधे और दूसरा है ढेर सारी ऑक्सीजन। होमो सेपियंस ने आग के इर्द गिर्द अपनी दुनिया बनाई थी क्योंकि आग से एक ओर जहां वे जंगली जानवर एवं ठंड से बचते थे, वहीं इसके माध्यम से वे अंधकार को भी मिटा सकते थे। आग का एक और उपयोग वो गोश्त को पकाने में भी करने लगे थे। वे जहां भी जाते अपने साथ जलती हुई आग को ले जाते थे। रात के समय जब सभी लोग गुफा में जमा हो जाते थे तो गुफा में मुंह पर जलती हुई आग को रख दिया जाता था। आग के डर से जानवर गुफा के भीतर नहीं आते थे। शीतकाल में तूफानी रातों में आग ही उन्हें आराम तथा सुरक्षा प्रदान करती थी। धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने आग के भिन्न भिन्न उपयोग को करना सीख लिया था।
लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि आग लगती कैसे थी। आग की खोज संयोग से हुई थी। चकमक पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में टकराने से एक चिंगारी उठी और जब वह सूखी पत्तियों और टहनियों पर गिरी तो उनमें से आग निकली। आग एक अजूबा थी। इस प्रकार आग की खोज को एक महान खोज कह सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने 8 लाख साल पहले ही आग को काबू में रखना सीख लिया था। आग का प्रयोग हमारे इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। आग पर खाना पकाकर खाने का मतलब था कि हम एक नए युग में प्रवेश कर गए थे। इसके अतिरिक्त खाना पकाकर खाने से ऊर्जा और शक्ति काफ़ी ज़्यादा मिलती थी। आगे जाकर इसका अनेक कामों में भी इस्तेमाल किया गया। इससे रहन सहन में बहुत ही सुधार आया। आग के कारण ही जल्दी हमने मिट्टी से बर्तन, धातु से हथियार बनाना सीख लिया था। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना नया रूप ले लिया था। लेयरिंग यानी कि आवाज़ की जो नली हमारे पूर्वजों में ऊपर थी वह नीचे आ गई थी, जिसके चलते ज़्यादा जटिल आवाज़ निकालने की क्षमता भी आ गई थी। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान या एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचने लगी थी। 2 पैरों पर चलना, हाथों में हथियार रखना, आग का इस्तेमाल करना और पशुओं से अधिक उन्नत भाषा में बात करना इंसान के लिए सबसे अहम क्रांति थी। इसी कारण प्रारंभिक इंसान के लिए अब पूरी दुनिया खेल, रोमांच और रहस्य का एक मैदान बन गई थी। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं दूर जा सकते थे क्योंकि उनके पास फुर्तीले हाथ थे, धारदार हथियार थे, समूह में रहने की समझ थी और वह शिकार करना सीख गया था। वह बात कर सकता था, आग को काबू में रखकर उसका इस्तेमाल कर सकता था और पहले से कहीं अधिक निडर हो गया था। यह क्रांति महाद्वीपों के अलग होने जैसी थी। घास के मैदान को पार कर कहीं और रहने वाले वानर अब इंसान बन गए थे और वे अब कहीं और जाकर एक मार्ग बना रहे थे। यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रारंभिक इंसान अफ्रीका में रहते थे तो वे वहाँ से निकलकर कहीं और जाने लगे थे। कहीं और जाने का अर्थ है कि हमारे पूर्वज प्राकृतिक बदलावों से खुद को बचा रहे थे। खासकर वे भोजन की तलाश में भी भटक रहे थे, लेकिन हमारे पूर्वज जब हमारे लिए रास्ता बना रहे थे, रहने का स्थान बना रहे थे, तब उस दौर में आइस एज शुरू हो गया। करीब 50,000 वर्ष पहले ग्लेशियर उत्तरी ध्रुव से आगे बढ़ने लगे थे। इसी दौर में दुनिया की खोज पर निकला इंसान ऑस्ट्रेलिया और चाइना तक पहुँच गया। 30,000 वर्ष पहले होमो सेपियंस पहली बार यूरोप पहुंच गए। 20,000 वर्ष पहले जब बर्फ युग अपने चरम पे था, जब इंसान अपनी जिज्ञासा के चलते उत्तर पूर्व के साइबेरिया के गहन बर्फीली जगहों तक पहुंच गया। वहां उसने गुफाओं में रहकर खुद को बचाया और उन गुफाओं में अपने रहने के निशान भी छोड़ दिए। जब धरती का ज़्यादातर जल बर्फ में बदल गया तब महासागरों का जल स्तर 100 से 125 मीटर नीचे चला गया। अब धरती पर अन्य क्षेत्रों में पहुंचने के मार्ग भी बन गए थे। साइबेरिया से निकलकर मानव मेरिंग लैंड ब्रिज को पार कर नॉर्थ अमेरिका में पहुंच चुका था। झाड़ पर रहने के युग से नीचे उतरकर मानव खानाबदोश हो गया था, यानी वे अपने भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने लगा था। आमतौर पर एक झुंड में कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे। सुरक्षा की दृष्टि से अकेले रहने की बजाय वे समूह बनाकर रहते थे। उन दिनों का जीवन सचमुच बहुत ही कठिन था क्योंकि लोग पेड़ों के फल फूल जंगली पौधे खाते थे और जो जानवर मिल जाता था उनका शिकार करते थे। वे शाक भाजी या अनाज पैदा करना नहीं जानते थे, इसलिए वे जब भी किसी नई जगह पर जाते थे तो वहाँ मौजूद सभी वस्तुओं को खाकर ख़त्म कर देते थे और फिर शिकार या भोजन की तलाश में अन्य किसी स्थान की ओर कूच कर जाते थे। इस दौरान उन्हें यदि कहीं गुफाएं मिलती थी तो वे वहीं अपना ठिकाना बना लेते थे, अन्यथा वे बड़े पेड़ों के पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे। उन्हें 2 चीज़ों का भय हमेशा रहता था, पहला मौसम और दूसरा जंगली जानवरों का। 12,000 ईसा पूर्व इंसान साउथ अमेरिका तक पहुंच गया था। वहां इंसान का सामना हिमयुग की मुश्किलों से हुआ। इन मुश्किलों से पार पाकर इंसान ने खुद को उस माहौल में ढाला और एक नए इंसानी युग की शुरुआत की। अब इंसान समंदर किनारे से पहाड़ की ऊंची चोटियों तक, घास के हरे मैदानों से लेकर रेगिस्तानों तक और बर्फ के जंगल पहाड़ों से लेकर ऊंचे पठारों तक फैल चुका था। हर मौसम और हर जगह इंसान रह रहा था। हालांकि इंसानों के करीबी दूसरे
दूसरे वानर या चिंपांजी अपने ही कुनबे और जंगलों में ही रहते थे। हिमयुग ने ऐसे रास्ते बनाए जिससे दुनिया भर में इंसान फैलने लगे थे। हालांकि जब हिमयुग खत्म हुआ तो धरती पर एक ऐसी क्रांति का जन्म हुआ जिसने आधुनिक मानव को गढ़ा ही नहीं बल्कि एक ऐसी धरती का निर्माण भी किया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें।